Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का। मेरे पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो और इस पाठ्यक्रम में आज हम जो व्याख्यान लेके प्रस्तुत हुए हैं इस व्याख्यान का शीर्षक है न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना और उसका भुगतान यह व्याख्यान जो न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और उसके भुगतान किए जाने की आवश्यकता पर केंद्रित है इस व्याख्यान का उद्देश्य सर्वप्रथम यह समझना है कि न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना क्या है क्या न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के अधीन आता है सामान्यतः यह देखा जाता है कि किसी भी नियोजन में मजदूरी का निर्धारण नियोक्ता के द्वारा किया जाता है लेकिन जब हम न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं तो यह न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है राज्य के द्वारा निर्धारित की जाती है तो अगर राज्य किसी नियोजन के संदर्भ में किसी उद्योग के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर रहा है तो क्या यहाँ पर राजा राज्य सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तो ऐसा कर रहा है इस व्याख्यान का यह भी उद्देश्य है कि हम समझने का प्रयास करें कि मजदूरी की परिभाषा क्या है क्योंकि इस अधिनियम में न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा नहीं दी गई है मजदूरी की परिभाषा दी गई है और मजदूरी की परिभाषा को समझने के पश्चात हम न्यूनतम पर को समझने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में हम मजदूरी के निर्धारण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन कौन से कारक हैं जिनके आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है इस व्याख्यान में हम मजदूरी के न्यूनतम दर के निर्धारण के जो मानक हैं उन मानकों की भी चर्चा करेंगे और उसके पश्चात न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और इसके संशोधन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में हम मजदूरी निर्धारण में जो सहयोग हेतु समितियों और उप समितियों का गठन किया जाता है उन समितियों और उप समितियों के बारे में चर्चा करेंगे इसके पश्चात न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता क्या है क्यों न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए उस आवश्यकता को जानने का हम प्रयास करेंगे और अंत में इस व्याख्यान के तहत हम कार्य के घंटे तय किए जाने की आवश्यकता को आवश्यकता पर ध्यान देंगे क्योंकि किसी भी नियोजन में कार्य के घंटे सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है और उसी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है इस संदर्भ में सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना एक सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना के अधीन है या नहीं है सामान्यतः यह देखा जाता है कि नियोजन में अगर हम न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना को हटा दें या फिर राज्य के हस्तक्षेप को वहाँ पर आ, आ, न देखें तो देखा यह जाता है कि, कि किसी भी नियोजन के संदर्भ में नियोक्ता के द्वारा मजदूरी का निर्धारण किया जाता है और ऐसी मजदूरी सामान्यतः जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में जो अनुबंध हुआ है उस अनुबंध के आधार पर निर्धारित किया जाता है हम यह भी जानते हैं कि जो नियोक्ता है उसकी प्रास्थिति एक एक कर्मचारी की तुलना के प्रास्थिति की तुलना में बहुत उच्च है और ऐसी स्थिति में अपनी प्रास्थिति का दुरुपयोग करके नियोक्ता किसी कर्मचारी को कम से कम भुगतान करने का प्रयास करेगा ऐसी स्थिति में जब न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना आती है तो यह संकल्पना कर्मचारियों को एक न्यूनतम मजदूरी जिसका निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है उसके भुगतान को सुनिश्चित करती है और इस तरह से यह एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम माना जाता है इस इस न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना में कर्मचारी या श्रमिक को मजदूरी का भुगतान उसकी आर्थिक सुरक्षा का निर्धारण करता है हम सभी जानते हैं कि किसी कर्मचारी या श्रमिक के आ, का, का जो उसकी मजदूरी या जो उसका वेतन है उसका भुगतान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे यह उसके लिए एक आर्थिक सुरक्षा का सुनिश्चित करती है कर्मचारी या श्रमिक के कमज़ोर संगठन के कारण नियोक्ता समय समय पर आ, जो जो भुगतान किया जाता है इसमें कमी करता है या फिर इसको आ, रेगुलर तरीके से उसका भुगतान नहीं करता है ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी की जो संकल्पना है यह संकल्पना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इसके पश्चात कर्मचारी या श्रमिकों के कमज़ोर सामूहिक समझौते जो समझौतेबाजी है जो इनका कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसका लाभ नियोक्ता उठाता है और कर्मचारियों को एक कम भुगतान करने के लिए अग्रसर होता है उसे पता है कि यहाँ पर कोई सामूहिक सौदेबाजी नहीं है और सामूहिक सौदेबाजी का उपयोग करके नियोक्ता के ऊपर कोई दबाव भी नहीं बनाया जाएगा ऐसी स्थिति में नियोक्ता कर्मचारियों को कम वेतन भुगतान करने के लिए कम श्रमिक भुगतान करने का एक उपबंध करता है ऐसी स्थिति से बचने के लिए न्यूनतम मजदूरी की जो संकल्पना है यह एक महत्वपूर्ण संकल्पना हो जाती है हम ये भी जानते हैं कि अगर मजदूरी का निर्धारण केवल और केवल बाहरी ताकतों अर्थात जो बाज़ार की ताकतें हैं जो पूंजी है जो पूंजी निवेशक हैं या नियोक्ता हैं या उपभोक्ता हैं केवल उनके आधार पर हम मजदूरी का निर्धारण करते हैं तो ऐसे में कर्मचारी के साथ सरासर अन्याय होगा कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक यह है कि बाहरी ताकतों के इतर कर्मचारी की आर्थिक सुरक्षा के इस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना चाहिए और इसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाना चाहिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा कुछ रोजगारों के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारित किए जाने का उपबंध किया गया है यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा हर प्रकार के नियोजन में हर प्रकार के उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जाता है केवल और केवल कुछ नियोजन के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है यह अधिनियम अनुचित रूप से कम मजदूरी के भुगतान के माध्यम से श्रम के शोषण को रोकता है अगर यह अधिनियम अस्तित्व में नहीं आता या फिर ऐसा कोई नियम नहीं बनता तो संभवतः जो श्रम का शोषण है वह लगातार चलता रहता और नियोक्ता इस शोषण के माध्यम से और पूंजीपति बनता जाता और कर्मचारियों को वो केवल और केवल एक एक छोटी सी राशि प्रदान करता जिसमें उन्हें गुजारा करना कठिन होता ऐसी स्थिति में जब हम भारत में बने हुए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की बात करते हैं जो श्रम पर प्रथम राष्ट्रीय आयोग कहा जाता है जिसका गठन भारत सरकार ने उन्नीस में किया था और इस आयोग ने अपनी संस्तुति सरकार को उन्नीस में भेजी थी इस संस्तुति में जो श्रम आयोग है वह यह कहता है कि न्यूनतम मजदूरी के इस अधिनियम के तहत सभी रोजगारों के संबंध में न्यूनतम दरें निर्धारित नहीं की गई हैं और और इस श्रम आयोग की यह अनुशंसा थी कि सरकार को अधिक से अधिक नियोजनों के संदर्भ में अधिक से अधिक रोजगारों के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना चाहिए यह अधिनियम केवल और केवल अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ रोजगारों के संबंध में तय किए जाते हैं अर्थात यह अधिनियम बहुत सीमित अर्थों में लागू होता है लेकिन जिन भी रोजगार या व्यवसाय में यह लागू होता है जिन भी नियोजन में यह लागू होता है वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाता है और नियोक्ता के लिए यह बाध्यकारी होता है कि वह ऐसे निर्धारित किए गए न्यूनतम मजदूरी का किसी भी कर्मचारी को भुगतान करे न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना कर्मचारियों के आर्थिक हित को ध्यान में रख करके बनाया गया है यह संकल्पना यह सुनिश्चित करती है कि एक कर्मचारी को एक मानक के तहत निर्धारित किए गए न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं मिलना चाहिए अर्थात किसी भी कर्मचारी को उस उस न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उसके ऊपर की राशि प्रदान की जानी चाहिए उसके ऊपर की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए किसी भी स्थिति में उस राशि से कम राशि का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में न्यूनतम मजदूरी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है यहाँ पर मजदूरी शब्द को परिभाषित किया गया है और राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर सकता है लेकिन न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा यहाँ पर नहीं दी यहाँ पर कुछ अन्य मानक हैं उन मानकों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण विभिन्न कारकों को ध्यान में रख करके किया जाता है यह कारक बाज़ार में उपलब्ध कारक और साथ ही साथ उस कर्मचारी की जो आर्थिक सुरक्षा है उससे संबंधित कारक भी हो सकते हैं और ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित जीवन यापन सूचकांक संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है यह वह संख्या है जीवन यापन सूचकांक संख्या वह संख्या है जिसके आधार पर महंगाई भत्ता या न्यूनतम मजदूरी या अन्य प्रकार के बोनस को भत्ते को गणित किया जाता है अर्थात यहाँ पर जीवन यापन सूचकांक की जो संकल्पना है जो शुद्ध अर्थों में एक एक वाणिज्य की संकल्पना है उस संकल्पना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना के लिए मजदूरी की संकल्पना को समझना आवश्यक है मजदूरी क्या होता है और कौन सी ऐसे भुगतान हैं जो नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को किए जाते हैं लेकिन वह मजदूरी की परिभाषा में नहीं आता है इनको जानना आवश्यक है इसके लिए अधिनियम की धारा मज, दो में दो में मजदूरी शब्द को परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा का तात्पर्य किसी भी पारिश्रमिक से है जो धन के रूप में व्यक्त किया जाता है ऐसा कोई भी पारिश्रमिक जो धन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे हम मजदूरी कहते हैं और हम सभी जानते हैं कि मजदूरी का भुगतान जब नियोजन के अनुबंध के अधीन जो शर्त है वह शर्त उत्पादन का शर्त या कार्य करने का शर्त है उस शर्त के पूरा होने के उपरांत प्रदान किया जाता है अर्थात अगर नियोजन की संविधा में यह शर्त है कि किसी कर्मचारी को कोई एक काम अगले एक महीने तक करना है तत्पश्चात उसे भुगतान किया जाएगा तो वहां पर मजदूरी के लिए उस शर्त का पूरा किया जाना आवश्यक है अगर कोई कर्मचारी अनुबंध की उन शर्तों को पूरा नहीं करता है तो वह मजदूरी के लिए हकदार नहीं होगा और अगर कोई कर्मचारी अनुबंध के अधीन अपनी शर्तों का अनुपालन करता है उसे विनिर्दिष्ट किए गए कार्यों को वो पूरा करता है तो ऐसी स्थिति में वह मजदूरी पारिश्रमिक के रूप में पाने का हकदार होता है तो किसी व्यक्ति को मिलने वाला कोई भी पारिश्रमिक मजदूरी की परिभाषा में आता है यहाँ आवश्यकता यह है कि यह पारिश्रमिक केवल और केवल धन के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए इसके पश्चात यह धारा यह भी बताता है कि कुछ भुगतान जो या फिर कुछ सुविधाएं जो नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया जाता है वह मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है जैसे जो जो मकान का किराया भत्ता प्रदान किया जाता है किसी कर्मचारी को वह मकान का किराया भत्ता मज़दूरी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है ठीक है इसके पश्चात अगर हम विस्तृत अर्थों में देखें कि क्या इस मजदूरी की परिभाषा में क्या शामिल किया गया है और क्या शामिल नहीं किया गया है तो जहां मकान के किराए भत्ते को मजदूरी के परिभाषा में शामिल किया गया है इसके अतिरिक्त ढेर सारे भुगतान या सुविधाएं हैं जिसको मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है जिससे जैसे अगर किसी कर्मचारी को नियोक्ता के द्वारा या राज्य के द्वारा आवास की प्रकाश की पानी की आपूर्ति या फिर चिकित्सा का कोई मूल्य प्रदान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह आवास की सुविधा ये पानी की आपूर्ति की सुविधा या चिकित्सा की जो सुविधा है इस पर जो खर्च किए जाते हैं ये खर्च मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं किए जाते इसके पश्चात इसके ऊपर कोई भी अपवर्जित सुविधाएं या सेवा जो कि राज्य के द्वारा या फिर नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मचारी को प्रदान किया जाता है ऐसी कोई भी सुविधा या इस सुविधा का कोई भी मूल्य मासिक जो 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 वेतन है जो जो मजदूरी है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है अगर हम देखें तो नियोक्ता द्वारा किसी पेंशन फंड या भविष्य निधि या सामाजिक बीमा की कि किसी योजना के तहत जो भुगतान किया जाता है ऐसा भुगतान भी किसी कर्मचारी की मजदूरी में शामिल नहीं किया जाता है अर्थात यहाँ पर समझना इस यह समझना आवश्यक हो जाता है कि क्या हर तरह के भुगतान या हर तरह की सुविधाओं का मूल्य मजदूरी की परिभाषा में सम्मिलित हैं अगर हम धारा दो की परिभाषा पर ध्यान केंद्रित करें तो इसमें अन्य चीज़ों के साथ साथ आ, कोई भी यात्रा भत्ता या किसी यात्रा के रियायत का जो मूल्य है उसे भी मजदूरी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है अर्थात अगर नियोक्ता के द्वारा किसी कर्मचारी को कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा के लिए रियायत का कोई मूल्य प्रदान किया जाता है तो ऐसे में ऐसा यात्रा भत्ता या ऐसा रियायत उसके लिए उसकी मजदूरी का भाग नहीं माना जाएगा इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि अगर किसी नियोजन में किसी नियोक्ता को कोई विशेष खर्चे वहन करने पड़ रहे हैं हो सकता है या उसकी सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक हो तो नियोजित व्यक्ति को उसके रोजगार की प्रकृति प्रकृति के कारण होने वाले जो विशेष खर्चे हैं इन खर्चों को अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया जाता है उसके उपरांत भी इन भुगतानों को Uh, मजदूरी के परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है और इसके पश्चात यह परिभाषा यह भी उपबंधित करता है कि किसी कर्मचारी के सेवा समाप्ति के पश्चात जो कोई उपदान दिया जाता है वह उपदान इसमें सम्मिलित नहीं है सेवा मुक्ति पर दिए गए कोई भी उपदान इसमें सम्मिलित नहीं है इस उपदानों को मजदूरी का भाग नहीं माना गया है न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण सामान्य सा प्रश्न है कि क्या न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की शक्ति नियोक्ता को होनी चाहिए और अगर नियोक्ता को न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की शक्ति देंगे तो क्या नियोक्ता अपने हितों के प्रतिकूल जा कर के कर्मचारियों के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करेगा शायद नहीं और इसीलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण हमेशा और हमेशा उपयुक्त सरकार के द्वारा राज्य के द्वारा किया जाता है किसी रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाता है अर्थात न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण केवल और केवल ऐसे ही रोजगार के संदर्भ में किया जा सकता है जिसको इस अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित किया गया है अगर कोई भी रोजगार या व्यवसाय इस अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है तो उसके संबंध में राज्य के ऊपर ऐसा कोई दायित्व तो नहीं है कि वह उसके लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करे उपयुक्त सरकार अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों में नियोजित कर्मचारियों को दे न्यूनतम मजदूरी की दरें तय करती हैं अर्थात यहाँ पर दो आवश्यकताएं हैं एक आवश्यकता यह है कि जिस रोज़गार के संदर्भ में नियोजन के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी तय किया जाना है वह रोज़गार इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो कर्मचारी उस न्यूनतम मजदूरी का, का मांग करता है या जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है वह केवल और केवल ऐसे किसी नियोजन में है ऐसे किसी रोजगार नियोज, में नियोजित है अर्थात इस अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ऐसे किसी भी कर्मचारी के लिए नहीं किया जाएगा जो किसी ऐसे रोजगार में नियोजित नहीं है जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है इसके पश्चात हम देखते हैं कि न्यूनतम दरों में संशोधन का भी प्रावधान किया गया है और यह प्रावधान है कि एक बार न्यूनतम मज़दूरी के निर्धारण के पश्चात उस न्यूनतम मजदूरी की दरों में पाँच साल में एक बार उसका संशोधन किया जाएगा उसका पुनर्निर्धारण किया जाएगा हम सभी जानते हैं कि कि आ, एक बार निर्धारित किया गया न्यूनतम मजदूरी लंबे समय के लिए आ, एक उपयुक्त निर्धारण नहीं हो सकता है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के बदलने के कारण ऐसे न्यूनतम मजदूरी में भी बदलाव आवश्यक हो जाता है और ऐसे बदलाव के लिए अधिनियम में आवश्यकता यह है कि एक बार निर्धारण के पश्चात हर पाँच साल पर ऐसे निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का संशोधन किया जाएगा लेकिन यहाँ पर यह भी उल्लिखित है कि अगर किसी आ, पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के सं, संदर्भ में पाँच वर्षों में कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया जाता है कोई संशोधन नहीं किया जाता है तो इससे इसकी प्रवर्तन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उस अधिनियम को आ, प्रवर्तित किया जाएगा और न्यूनतम मजदूरी पूर्व निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दे होगा इसके पश्चात हम यह भी देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत ऐसे किसी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाना आवश्यक नहीं है जहाँ 1000 से कम श्रमिक नियोजित हैं अर्थात ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण उपयुक्त सरकार के द्वारा केवल और केवल अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यवसायों के संदर्भ में तभी किया जाएगा जब उस व्यवसाय में उस नियोजन में उस उद्योग में उस राज्य में कम से कम एक हजार कर्मचारी नियोजित हैं अगर नियोजित कर्मचारियों की संख्या कम है तब वहाँ पर राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी तय किया जाना बाध्यकारी नहीं होगा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का तरीका किस आधार पर न्यूनतम मजदूरी का या फिर कैसे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा अधिनियम की धारा तीन की उपधारा दो के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर तय किया जा सकता है इसमें पहला है न्यूनतम समय दर के आधार पर समय को ध्यान में रख करके के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण समय को ध्यान में रख कर के न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण से तात्पर्य यहाँ पर है दिन को ध्यान में, में रख के एक सप्ताह को ध्यान में रख कर के महीने को ध्यान में रख के मजदूरी का निर्धारण किया जाता है यहाँ पर कार्य कितना किया गया या कार्य का कितना भाग किया जाना आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है केवल और केवल समय पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसको न्यूनतम समय दर के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कहा जाता है इसके पश्चात दूसरी तरफ कार्य के जो भाग हैं उस भाग के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है किसी कर्मचारी के द्वारा जो उसे नियोजन के अनुबंध के अधीन जो कार्य करने हैं उसमें से कितने कार्य का उसने संपादन किया है कितना भाग उसके कार्य का पूरा हुआ है उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा और और कार्य के भाग के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करके उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान ऐसे किसी कर्मचारी को किया जाए इसके पश्चात अगर हम देखें तो कार्य के भाग के लिए पारिश्रमिक की न्यूनतम दर निर्धारित करके गारंटी करके कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कर्मचारी के द्वारा किसी कार्य का एक निश्चित भाग पूरा कर लिया गया है तो उस निश्चित भाग के लिए कितना उसको न्यूनतम मजदूरी दिया होगा उसके आधार पर हम न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते हैं अर्थात यहाँ पर यह गारंटी दी जाती है कि किसी कार्य का कितना भाग पूरा होने पर न्यूनतम मजदूरी दे होगा और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित किया जाएगा इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि जो ओवर टाइम का एक आवश्यकता है जहाँ पर किसी कर्मचारी के द्वारा अपने कार्य के घंटों के अतिरिक्त कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है क्या वह कार्य के अतिरिक्त घंटों के लिए उसे कोई भुगतान किया जाएगा और अगर ऐसे किसी कर्मचारी को किसी अतिरिक्त घंटे के लिए भुगतान किया जाना है तो ऐसे भुगतान का दर क्या होगा ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी का दर क्या होगा यहाँ पर यह उपबंध किया गया है कि ओवर टाइम दर के आधार पर भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाएगी सामान्यतः ये देखा जाता है कि ओवर टाइम या कार्य के घंटों के अतिरिक्त जो घंटे हैं उसके लिए न्यूनतम मजदूरी सामान्यतः निर्धारित की गई मजदूरी से हमेशा दोगुना या इससे अधिक होता है तो ऐसे में हम देखते हैं कि जो ओवर टाइम का या फिर कार्य के घंटों के अतिरिक्त घंटों के लिए कार्य किया जाता है उसके लिए न्यूनतम मजदूरी का एक जो 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 मानक है वो थोड़ा विस्तृत है इसके पश्चात हम देखते हैं कि मजदूरी की दरों से संबंधित किसी औद्योगिक विवाद के संदर्भ में यदि कोई विवाद लंबित है और दरों से संबंधित है अभी दर निर्धारित नहीं किया गया है तो क्या ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करके न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जा सकता है तो यहाँ पर यह उपबंध किया गया है कि मजदूरी के दरों से संबंधित किसी औद्योगिक विवाद के, के संबंध में कोई भी कार्यवाही लंबित है तो इस प्रकार निर्धारित या संशोधित मजदूरी न्यूनतम दरें लागू नहीं होंगी अर्थात जहाँ पर मजदूरी की दर को लेकर के विवाद है तो जब तक उस विवाद का निपटारा नहीं हो जाता है जब तक वह विवाद लंबित है तब तक ऐसे विवाद के संदर्भ में मजदूरी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण नहीं किया जाएगा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और इसका संशोधन किया जाना जो उपयुक्त सरकार है उसके द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है और न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के तत्पश्चात पाँच साल के अंतराल पर उस न्यूनतम मजदूरी का संशोधन किया जाता है यहाँ पर उल्लिखित यह है कि कि उपयुक्त सरकार को उपयुक्त सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित हैं जिसके संदर्भ में कोई उद्योग स्थापित किया गया है या फिर जिसके अधीन कोई उद्योग स्थापित किया गया है यहाँ पर यह आ, देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या न्यूनतम मजदूरी विभिन्न व्यवसायों के लिए या विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए भिन्न भिन्न रूप से निर्धारित किया जा सकता है या नहीं क्या ऐसा निर्धारण विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन तो नहीं माना जाएगा ऐसी स्थिति में यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में मजदूरी की अलग अलग न्यूनतम दरें तय करने का प्रावधान दिया गया है। कोई भी उपयुक्त सरकार विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए भिन्न भिन्न न्यूनतम मजदूरी के दर निर्धारित कर सकता है अर्थात एक रोजगार के लिए जो न्यूनतम दर है आवश्यक नहीं है कि वही न्यूनतम दर मजदूरी का किसी दूसरे रोजगार के संदर्भ में भी निर्धारित किया जाए किसी दूसरे रोजगार के संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी का एक दूसरा दर उपयुक्त सरकार के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है इसी तरह एक ही अनुसूचित रोजगार के में काम के विभिन्न वर्ग के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है अगर किसी एक ही रोजगार में अलग अलग कर्मचारियों के समूह के द्वारा अलग अलग प्रकार का के कार्य का निष्पादन किया जा रहा है तो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय किया जा सकता है ऐसा प्रावधान इस अधिनियम में बनाया गया है इसके पश्चात इस अधिनियम में यह भी प्रावधान बनाया गया है कि वयस्क किशोर बच्चे और प्रशिक्षों के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी दरें बनाई जा सकती हैं ऐसी स्थिति में आ, ऐसे लोगों के लिए अलग अलग न्यूनतम दरें उपयुक्त सरकार बना सकती है और उसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जा सकता है इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि उपयुक्त सरकार को अगर हम राज्य सरकार को यहाँ पर उपयुक्त सरकार के अंतर्गत देखें तो राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान है कि वह राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित विभिन्न उद्योगों को जो इस अधिनियम के अनुसूची में सम्मिलित हैं उसमें से एक ही व्यवसाय के जो कि अलग अलग भागों में राज्य के अलग अलग भागों में चल रही हैं वहाँ पर अलग अलग भागों के लिए वह अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित कर सकता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि न्यूनतम मजदूरी एक मानक मजदूरी न हो करके विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के संबंध में या विभिन्न कर्मचारियों के वर्गों के संदर्भ में भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है मजदूरी की न्यूनतम दरें निम्नलिखित मजदूरी अवधियों में से किसी एक या अधिक द्वारा तय की जा सकती है सामान्यतः यह देखा जाता है कि जब हम मजदूरी न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करते हैं तो न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने के लिए जो समय सीमा है वह कितना होगा ऐसी स्थिति में प्रावधान यह है कि न्यूनतम मजदूरी समय के साथ दिन के लिए महीने के अनुसार या अन्य बड़ी वेतन अवधि के अनुसार तय की जा सकती है दिन के आधार पर या महीने के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न... किया जा सकता है लेकिन इसके पश्चात यहाँ पर यह भी उपबंध बताया गया है कि जहाँ ऐसी दरें दिन या महीने के हिसाब से तय की जाती हैं वहाँ एक महीने या एक दिन के लिए मजदूरी की गणना करने का तरीका दर्शाया जाएगा अर्थात एक दिन के लिए न्यूनतम मजदूरी का जो मानक है उसका गणना कैसे किया जाता है या एक महीने की मानक के रूप में जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है उसकी गणना कैसे की जाती है इसका यहाँ पर निर्धारित किया जाना आवश्यक है इसके पश्चात यह भी देखा गया है कि जहाँ पर भुगतान अधिनियम 1936 की धारा चार के तहत अगर कोई वेतन अवधि तय किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत वेतन अवधि न लागू हो के वहाँ पर भुगतान अधिनियम वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत जो वेतन अवधि निर्धारित की गई है उसी के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा न्यूनतम मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी की दर कैसे निर्धारित की जाएगी और न्यूनतम मजदूरी में और क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हो सकती हैं इसके लिए उपबंध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धाराचार में की गई है और यह कहता है कि अनुसूचित रोजगार के संबंध में उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित या संशोधित न्यूनतम मजदूरी की दर में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं अर्थात धारा चार में वह उपबंध दिया गया है जिसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं जैसे न्यूनतम मजदूरी में मजदूरी का मूल दर और साथ ही साथ जीवन यापन की लागत सूचकांक संख्या में भिन्नता के अनुरूप समायोजित की जाने वाली दर एक विशेष भत्ता जिसको जीवन यापन भत्ता कहते हैं वो सम्मिलित होगा तो पहला नियम यह कहता है कि न्यूनतम मजदूरी में मजदूरी का एक जो मूल दर है वह सम्मिलित होगा और साथ ही साथ जीवन यापन भत्ता जिसका निर्धारण सूचना सूचकांक संख्या के आधार पर किया जाएगा उसको भी सम्मिलित किया जाएगा अर्थात इस उपबंध से ये बहुत स्पष्ट है कि जीवन यापन भत्ता जो है जीवन यापन भत्ता न्यूनतम मजदूरी का भाग है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय इस जीवन यापन भत्ता को भी ध्यान में रखा जाएगा इसके पश्चात जीवन यापन भत्ते के लागत के साथ या उसके बिना मजदूरी की न्यूनतम दर और रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में जो रियायतें हैं उसका जो नगद मूल्य है उसको भी मजदूरी का भाग माना जाएगा अगर नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को रियायती दरों पर जीवन यापन के लिए या उसके बिना कोई और आवश्यक वस्तुओं का उसको प्रदान किया जाता है तो ऐसी आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने का जो मूल्य है वह मूल्य भी न्यूनतम मजदूरी का भाग होगा इसके साथ ही साथ जो न्यूनतम मजदूरी है यह एक सर्व समासेवी दर जो मूल दर जीवन यापन भत्ते की लागत और रियायतों के नगद यदि की हो कि अनुमति देता है अर्थात जो सर्व समावेशी न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाएगा उसमें तीन चीज़ें हो सकती हैं पहला न्यूनतम दर न्यूनतम दर के पश्चात जीवन यापन भत्ता और तीसरा अगर कोई आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं तो उसके लिए प्रदान किए जाने वाले रियायत का मूल्य क्या है इन तीनों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की एक समावेशी संकल्पना को यहाँ पर धारा चार में सम्मिलित किया गया है रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में जीवन निर्वाह भत्ते की लागत और रियायतों के नगद मूल्य की गणना सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में जीवन निर्वाह भत्ते की लागत और रियायतों के नगद पुल की गणना हमेशा और हमेशा इसके लिए उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है यहाँ पर नियुक्ता को कोई प्राधिकार नहीं है कि वह जीवन यापन जीवन निर्वाह के भत्ते या फिर रियायतों के मूल्य को निर्धारित करेगा यह निर्धारण हमेशा और हमेशा उपयुक्त सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए सक्षम प्राधिकारी के द्वारा किया जाता है न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की प्रक्रिया और इसमें संशोधन न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की प्रक्रिया इस अधिनियम की धारा पाँच में दी गई है और इसी उपबंध में इस न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के उपरांत इसे संशोधित करने का प्रावधान भी दिया गया है अगर हम इस धारा पर ध्यान केंद्रित करें तो न्यूनतम मजदूरी की दर तय करने में या इस प्रकार तय की गई न्यूनतम मजदूरी के संशोधन करने में उपयुक्त सरकार जांच करने और सलाह देने के लिए जितनी आवश्यक समझे उतनी समितियां और उप समितियां नियुक्त कर सकता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी अनुसूचित व्यवसाय के संबंध में रोजगार के संबंध में अगर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा या पूर्व में निर्धारित निर, न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाएगा तो ऐसे में राज्य सरकार के सहयोग के लिए इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि अनेक समितियों और उप समितियों की गठन की जा सकती है और ये समितियां और उप समितियां न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में अपना योगदान दें इसके पश्चात इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एक प्रस्ताव प्रकाशित किया जाएगा अगर राज्य सरकार ने यह निर्धारित किया है कि वह किसी व्यवसाय के संबंध में किसी रोजगार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने जा रहा है तो कौन कौन से कर्मचारी या फिर कौन कौन से नियोक्ता हैं जो इस निर्णय से प्रभावित होंगे उनको पूर्व सूचना के आधार के लिए ऐसी किसी भी निर्णय का प्रकाशित किया जाना आवश्यक है और अधिसूचना की तारीख से कम से कम दो महीने की की तारीख निर्दिष्ट करें जिस दिन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा अर्थात जब भी किसी रोज़गार के संबंध में न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने का निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने के उपरांत इसकी सूचना प्रकाशित की जाएगी और सूचना प्रकाशित होने के कम से कम दो महीने बाद एक, -एक ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जहां पर सरकार के द्वारा या फिर नियोक्ता के प्रतिनिधि प्रतिनिधियों के द्वारा या फिर कर्मचारी के प्रतिनिधि आपस में बैठ कर के यह डिसाइड करेंगे यह निर्णय लेंगे कि किसी मामले में कैसे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाना है और न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में क्या क्या कारक सम्मिलित किए जाएंगे उपयुक्त में गठित समितियों और उप समितियों के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात उपयुक्त सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मजदूरी की न्यूनतम दरों को तय करेगी अर्थात जब भी न्यूनतम मजदूरी सरकार के द्वारा तय की जाती है तो अंत में निर्धारण के पश्चात इसका प्रकाशन सरकार की अधिसूचना के माध्यम से राजपत्र में किया जाता है और अगर किसी आ, उपयुक्त सरकार के द्वारा निर्धारित तो पूर्व में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाता है तो इस संशोधन के लिए भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है और अंततः ऐसा कोई भी संशोधन सरकार उपयुक्त सरकार के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इसके प्रकाशित होने के पश्चात तीन महीने की समाप्ति पर यह लागू होगा यहाँ पर आवश्यक यह जानना है कि कोई भी न्यूनतम मजदूरी जो राज्य के द्वारा अंततः निर्धारित की जाती है या पुनर्निर्धारित की जाती है संशोधन के माध्यम से वह केवल और केवल तीन महीने के बीतने के उपरांत ही लागू होता है तो यह निर्धारण किस दिन राजपत्र में प्रकाशित किया गया है उसके पश्चात तीन महीने के बाद इसको लागू किया जाता यहाँ पर जो तीन महीने का एक एक समय रखा गया है वह समय रखा गया है नियोक्ता को एक एक अवसर देने का कि नियोक्ता अपने आप को तैयार कर ले कि अगले तीन महीने बाद उसे अपने कर्मचारियों को एक संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर भुगतान करना है उसके लिए जो भी खर्चों की आवश्यकता है या फिर जो उसके ऊपर आर्थिक दबाव उत्पन्न होगा उस वो कैसे वह समायोजित करता है कैसे उसको वह समायोजित करता है उसे इसके लिए निर्णय लेने के लिए समय देता है समितियों और उप समितियों के कार्य जो समितियाँ और उप समितियाँ गठित की जाती हैं जिनका योगदान न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन में होता है उनका कार्य क्या हो सकता है अगर हम देखें तो धारा सात में सलाह बोर्ड की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्त समितियों और उप समितियों के कार्य का समन्वय करता है धारा सात के तहत सलाह बोर्ड पूर्व में नियुक्त की गई समितियों और उप समितियों के बीच में समन्वय का काम करता है इसके पश्चात धारा आठ के तहत एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की नियुक्ति की जाती है और न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संशोधन में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना और सलाहकार बोर्डों के कार्यों के बीच समन्वय करना इसका एक महत्वपूर्ण काम है अर्थात किसी एक नियोजन के संबंध में किसी एक व्यवसाय के संदर्भ में एक से अधिक सलाह सलाहकार बोर्ड स्थापित किए जा सकते हैं और अगर ऐसी किस स्थिति आती है तो उसमें आपस में समन्वय बनाने के लिए और न्यूनतम मजदूरी की दरों को निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया जा सकता है समितियों का गठन सामान्यतः धारा नौ के तहत किया जाता है प्रत्येक समिति उप समिति और सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया गया है ऐसी समिति उप समिति या बोर्ड में उपयुक्त सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले व्यक्ति सम्मिलित होते हैं इसके पश्चात इस समिति में नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि जो कि समान संख्या में होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है अर्थात हम यह देखते हैं कि न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में राज्य ने कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों को समान अवसर प्रदान करता है दोनों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के तदुपरांत यह निर्धारित करता है कि न्यूनतम मजदूरी क्या होगा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के पश्चात अगर नियोक्ता या फिर उनका जो प्रतिनिधित्व है या दूसरी तरफ कर्मचारी या फिर उनका प्रतिनिधित्व यह कहे कि उन्हें उचित अवसर नहीं मिला था न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के समय तो यह उचित नहीं होगा इसके साथ ही साथ न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए इसमें स्वतंत्र व्यक्ति जो इसके सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होंगे उनको भी सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है ऐसे स्वतंत्र व्यक्तियों में से एक को उपयुक्त सरकार द्वारा इस समिति या उप समिति का जैसा भी स्थिति होगी या बोर्ड की स्थिति होगी उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि समिति उप समिति या जो बोर्ड होंगे इनके अध्यक्ष सरकार द्वारा नामित कोई व्यक्ति नहीं होगा नियुक्ताओं का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि होगा वह होगा केवल और केवल एक स्वतंत्र व्यक्ति जो उस समिति में सम्मिलित किया गया है उसको इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा अर्थात उस अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में समिति अपना कार्य करेगी समन्वय का कार्य सलाह देने का कार्य या अन्य कार्य निष्पादित किया जाएगा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान प्रश्न यह उठता है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किस आ, आ, रूप में किया जाए क्या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नगद के अतिरिक्त किया जा सकता है तो ऐसे में क्या न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किसी वस्तु के रूप में किया जा सकता है जैसे हम देखें कि अगर कोई व्यवसाय है कोई उद्योग है जहाँ कपड़ा उत्पादित किया जाता है तो क्या नियोक्ता को ये स्वतंत्रता है कि वह भुगतान के रूप में न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के रूप में अपने कर्मचारियों को हर महीने कपड़े प्रदान कर दे क्या इसे उचित माना जाएगा इस संदर्भ में इस इस अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा ग्यारह में उपबंध किया गया है जो यह कहता है कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान केवल और केवल नगद में किया जाएगा यहाँ नगद से तात्पर्य कैश से नहीं है अगर अगर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान चेक के माध्यम से या फिर खाते में ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है तो वह भी इसमें सम्मिलित होगा आज तकनीक के विकास के साथ साथ उसके खाते में पैसे के हस्तांतरण के अलग अलग तरीके अस्तित्व में आ गए हैं और सब इसमें सम्मिलित हैं इस धारा का उद्देश्य यह है कि किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किसी वस्तु के रूप में न किया जाए या केवल और केवल पैसे के रूप में केवल और केवल नकद के रूप में किया जाए इसके पश्चात इस धारा के अधीन उपयुक्त सरकार जहां इस प्रकार से भुगतान करने की प्रथा रही हो वहां पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को प्राधिकृत कर सकता है अर्थात कोई ऐसा उद्योग है जहाँ उद्योग के संदर्भ में यह प्रथा रही हुई है कि वहाँ पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एक वस्तु के रूप में किया जाता है पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से तो वहाँ पर उपयुक्त सरकार के द्वारा ऐसे उद्योगों को एक एक स्वतंत्रता दी जा सकती है और ऐसे उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान वस्तु के रूप में किया जा सकता है अगर हम कृषि को देखें सामान्यतः कृषि को उद्योग कहना कठिन होगा या फिर गलत होगा लेकिन अगर हम कृषि को देखें तो कृषि में जो श्रम काम करता है जो श्रमिक काम करता है उसके काम के समाप्ति के उपरांत उसे जो मजदूरी मिलती है वह मजदूरी उस कृषि से उत्पन्न जो जो अन्न है उससे उत्पन्न जो फसल है उसके रूप में प्रदान किया जाता है और और एक परंपरा के रूप में ऐसा प्रदान किया जाना उपयुक्त सरकार के द्वारा आ, आ, समर्थित किया जाता है ऐसे किसी भुगतान को इस अधिनियम के तहत गलत नहीं माना जाता है। इसके पश्चात उपयुक्त सरकार रियायती दरों पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को अधिकृत कर सकती है अगर मजदूरी के भुगतान में आवश्यक वस्तुओं का रियायती दरों पर भुगतान किया जाता है तो ऐसे रियायती दरों पर किए जाने वाले भुगतान को भी न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित किया जा सकता है इसके पश्चात वस्तुओं और रियायतों के रूप में मजदूरी का नगद मूल्य निर्धारित करने के तरीके अनुमानित किए जाएंगे अगर कोई वस्तु प्रदान की जाती है जो सरकार द्वारा समर्थित अनुमोदित है और ऐसी कोई वस्तु प्रदान की जाती है तो उस वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाएगा और उसके मूल्य के निर्धारण के फलस्वरूप उसका भुगतान किया जाए अगर उस मूल्य का निर्धारित उस वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा पा रहा है तो ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना कि न्यूनतम मजदूरी का कितना भुगतान किया जा रहा है यह एक कठिन प्रश्न हो जाएगा मजदूरी की न्यूनतम दर का भुगतान एक बार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारित किए जाने के पश्चात उस न्यूनतम मजदूरी के भुगतान किए जाने का दायित्व नियोक्ता पर अधिरोपित किया गया है और और ऐसा कोई भी भुगतान न्यूनतम मजदूरी का भुगतान वैधानिक कटौती के अलावा किसी अन्य कटौती के बिना किया जाता है हम सभी देखते हैं कि कभी कभी नियोक्ता के द्वारा जब जब कोई भुगतान किसी कर्मचारी को किया जाता है तो भुगतान करने से पूर्व नियोक्ता उसमें से आ, कुछ मूल्य कटौती करके अपने पास रख लेता है प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी नियोक्ता को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह यह देखे या फिर वह ऐसी कोई कटौती कर सकता है जो न्यूनतम मजदूरी में देने के योग्य है ऐसी स्थिति में धारा बारह के तहत प्रावधान यह है कि जो भी वैधानिक कटौतियां हैं जिसका किसी विधि में जिक्र किया गया है ऐसी वैधानिक कटौतियों को आ, आ, करने के लिए नियुक्ता को प्राधिकार प्राप्त है और ऐसे वैधानिक कटौतियों को करने के उपरांत नियोक्ता न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर सकता है कम प्रदर्शन या उत्पादन के आधार पर न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान अवैध होगा अगर नियोक्ता को यह प्राधिकार प्रदान कर दिया जाए कि नियोक्ता किसी एक व्यवसाय के संदर्भ में या फिर किसी एक व्यवसाय के किसी एक कर्मचारी के संदर्भ में यह कहता है कि इस कर्मचारी ने इसे जितना उत्पादन करना था उससे कम उत्पादन किया है या फिर उससे जितना प्रदर्शन करना था कार्य का उससे कम कार्य का प्रदर्शन किया है और इस आधार पर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से कटौती करना चाहता है तो ऐसा कटौती सर्वदा ही अवैध माना जाएगा अगर किसी नियोक्ता को यह प्राधिकार दे दिया जाए कि वह कार्य के कम प्रदर्शन या फिर कम उत्पादन के आधार पर किसी कर्मचारी के न्यूनतम मजदूरी से कटौती कर सकता है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता हमेशा यह प्रयास करेगा कि वह किसी न किसी तरह से यह प्रतिस्थापित कर दे कि कर्मचारी के द्वारा कम उत्पादन या कम प्रदर्शन किया गया है और इसके आधार पर नियोक्ता कर्मचारी के न्यूनतम मजदूरी से कटौती करने के लिए प्राधिकृत है तो इस इस परिस्थिति को देखते हुए इस इस, इस स्थिति में नियोक्ता के द्वारा इसके दुरुपयोग को देखते हुए ऐसी किसी भी कटौती को अवैध माना गया है इसके पश्चात हम देखते हैं कि सामान्य कार्य घंटों से कम कार्य घंटों के लिए मजदूरी का क्या नियम होगा अगर न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है दिन के आधार पर एक दिन के लिए और कोई कर्मचारी एक दिन के लिए जो विनिर्दिष्ट घंटे हैं उससे कम घंटों के लिए काम करता है तो ऐसी स्थिति में क्या उसे न्यूनतम मजदूरी पूरे दिन के लिए दिया जाएगा या फिर जितने समय उसने काम किया है उसके आधार पर दिया जाएगा धारा पंद्रह के उपबंधों के अनुसार नियोक्ता नौकरी प्रदान नहीं कर सका अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि जब नियोक्ता अपने किसी कर्मचारी को नौकरी प्रदान नहीं कर सका वहाँ पर कर्मचारी पूर्ण वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा ऐसी स्थिति में सामान्य सामान्यतः यह देखा जाता है कि कर्मचारी अपना कार्य निष्पादित करने के लिए उद्योग में उपस्थित रहता है लेकिन किसी अन्य कारणों से हो सकता है कि कच्चा माल ना पहुंचा हो या फिर पावर की जो जो आपूर्ति है वह बाधित हो गई हो या फिर मशीनरी में कोई दिक्कत आ गई हो कोई परेशानी आ गई हो ऐसी स्थिति में जो नियोक्ता है वह अपने कर्मचारी को कार्य देने में अक्षम हो जाता है यहाँ पर नियोक्ता के अक्षमता के परिणाम स्वरूप कर्मचारी कोई कार्य नहीं करता है यहाँ कार्य न किए जाने के पीछे कर्मचारियों का कोई दोष नहीं होता है और इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति में उस दिन के लिए कर्मचारी को पूरा का पूरा भुगतान किया जाएगा न्यूनतम मजदूरी की पूरी भुगतान की जाएगी उस भुगतान से बचा नहीं जा सकता इसके पश्चात अगर किसी नियोजन में किसी उद्योग में जिसके संदर्भ में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है और कोई कर्मचारी अपनी अनिच्छा के कारण काम नहीं करता है या कर्मचारी पूर्ण वेतन प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा अर्थात अगर किसी कर्मचारी ने अगर उसकी इच्छा नहीं है और अपनी इच्छा न होने के कारण वह कार्य नहीं करता है यहाँ पर यह देखा जाता है कि नियोक्ता कार्य देने में असफल नहीं हुआ है यहाँ पर जो कार्य न किया जा रहा किया जाना है वह केवल और केवल कर्मचारी की इच्छा पर आधारित है ऐसी स्थिति में क्या किसी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए तो यहाँ पर धारा पंद्रह के उपबंधों के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे किसी कर्मचारी को जो अपनी स्वेच्छा से कोई काम नहीं कर रहा है जिसमें उसके नियुक्तता की कोई गलती नहीं है तो वहाँ पर उसे कोई न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं किया जाएगा हम देखते हैं कि इस अधिनियम में एक तरफ नियोक्ता के ऊपर यह दायित्व तो अधिरोपित किया गया है कि वह अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा और दूसरी तरफ यह भी देखा जाता है कि अगर कोई कर्मचारी अपने नियोजन के संदर्भ में जिसके लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया गया है अगर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के उपरांत कार्य करने में असफल रहता है और इस असफलता के पीछे नियोक्ता का कोई योगदान नहीं है या उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता उस कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा इसके पश्चात हम देखते हैं कार्य के घंटों का तय किया जाना क्योंकि कार के घंटों का तय किया जाना आवश्यक है जिसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होता है कारखानों में कार के घंटे करने वाले एक वयस्क श्रमिक के लिए साप्ताहिक अवकाश के साथ सप्ताह में कार के घंटों की संख्या 48 घंटे है साप्ताहिक अवकाश के साथ अर्थात सात दिन में एक दिन का अवकाश और छः दिन में अड़तालीस घंटे का, का काम कराया जा सकता है एक कर्मचारी से एक घंटे के विश्राम के अंतराल के साथ दैनिक घंटे नौ घंटे से अधिक नहीं हो सकते किसी एक दिन में जो कार्य के घंटे हैं उन कार्य के घंटों के बीच में कम से कम एक घंटे का अंतराल जरूर होना चाहिए यदि छुट्टी पर काम कर रहे हैं तो प्रति प्रतिपूरक अवकाश या ओवर टाइम मजदूरी के लिए भी हकदार माना गया है अगर कोई कर्मचारी अपने कार्य के घंटों के अतिरिक्त काम करता है तो उसे ओवर टाइम के आधार पर प्रतिपूर्ति प्रदान किया जाएगा समय से अधिक कार्य के लिए जो अतिकाल है जिसको ओवर टाइम करते हैं उसके लिए एक व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा यदि व्यक्ति ने एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम किया है तो उसे अतिरिक्त घंटों के लिए ओवर टाइम आ, के के दर से भुगतान किया जाएगा और, और ओवर टाइम मजदूरी दर सामान्य मजदूरी दर से दोगुनी होती है अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने न्यूनतम मजदूरी की संकल्पना को समझने का प्रयास किया और यह जानने का प्रयास किया कि न्यूनतम मजदूरी किस तरह से सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना से संबंधित एक संकल्पना है हमने न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित करने का प्रयास किया इसके पश्चात न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण की प्रक्रिया को जाना और एक बार अगर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है तो उसके परिणामस्वरूप कब उस न्यूनतम न्यूनतम मजदूरी को संशोधित किया जाएगा और उसके संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी उसको हमने जाना इसके पश्चात हमने न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण और संसाधन और संशोधन की प्रक्रिया को जाना हमने समितियों और उप समितियों के गठन और उनके कार्यों को समझा कैसे समिति उप समिति या बोर्ड न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में अपना योगदान देती हैं हमने इस व्याख्यान में यह भी समझा कि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान में नगद भुगतान की आवश्यकता क्यों है क्यों यहाँ पर वस्तु के रूप में भुगतान को मना किया गया है और और इसके पश्चात अंत में हमने इस व्याख्यान में कार्य के घंटे तय किए जाने की आवश्यकता को जाना क्यों किसी उद्योग में कार्य के घंटों को तय किया जाना आवश्यक है धन्यवाद